अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बना रहे हैं चिकन। अब क्या बनेगी चिकन ये तो बनने के बाद ही पता चलेगी, लेकिन आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो रोज़ की रूटीन दिखा देती कि आज मैंने क्या बनाना है। तो अब हम करेंगे इसको छोटा छोटा काटेंगे और इसे मसाला वाला बनाएंगे। ठीक, आज बनने जा रही है वेरी स्पेशल रेसिपी, ऐसी कि मरीज को खिला दो तो जिंदा हो जाए। अच्छा जी, तो अभी हम डाल रहे हैं प्याज, दो प्याज हैं डाल देंगे और इसे हम करेंगे थोड़ा सा छनमन छनमन छनमन। ये हैगी ऐसी चिकन जो के बंदे को कर देगी जिंदा, और इतने विटामिन होंगे इसमें कि भूल जाएंगे आप फ्रूट खाना। नहीं खैर, यकीन बहुत मज़े की है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी होगी यकीनन। लेकिन आप देखते जाएं कि आज मैं डालने वाली क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़ी सी ये भुन जाए, छनभुन हो जाए प्याज। आज मैं देने वाली है अपने मियाँ को एक नया सरप्राइज। ओह माय गॉड, बादशाह सलामत भी क्या खाएंगे जो मैं पकाऊंगी खाना। जो बंदा 55 का लगे भाई 40 का है, वाह वाह वाह, तो वो उसको कहते हैं खाना मज़ेदार बनाती है वो। और जिसका मियाँ लगे यंग तो लिहाजा अपने हस्बैंड को उन्हें ऐसे खाने खिलाएं जैसे बादशाहों को खिलाते थे। वैसे भी जो आदमी होता है वो सर का ताज होता है। दफा नहीं है okay, जी अब ये हो गया है थोड़ा सा नरम गरम। अब मैं इस प्याज को सब कर लेती हूँ इधर। ठीक, उसमें डालने वाली हूँ मैं चिकन। तैयारी की हूँ मैंने चिकन, वाह 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 वाह। अब इस चिकन में हम डालने वाले हैं इस तरफ को टमाटर, ये भी चला गया इसमें। ठीक है, इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, इसे हिलाने जुलाने की ज़रूरत नहीं है। सही है, अच्छा। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी थोड़ी मिर्चे मिर्चे। ठीक है, चलो तो अपना वो बॉक्स निकालते हैं जो कि मुझे बहुत ही पसंद है और मेरे लिए आसानी भी हो गई है। ये ऐसी पकेगी तेज चूल्हे पे, फुल फुल पे, फुल फुल फुल, वाह। अच्छा, अब हम डालने लगे हैं इसमें है। चलो ये पक रही है, जब तक हम इसमें डालते हैं थोड़ी सी मिर्ची, और डालना है गोश्त के ऊपर ही, कहीं और नहीं। सही है, थोड़ी थोड़ी डालेंगे। सही है, इसमें थोड़ी सी कुटी मिर्च भी डालेंगे ताकि इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ी सी डालेंगे इसमें हम हल्दी, कुरकुमा। ये देखें मैं कितनी ली, ये भी डाल देंगे इसमें। ठीक है, अच्छा जी। तो अब डालने वाले हैं हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और लौंग, मेरी मिक्स है तो ये भी मैं डाल दूंगी इसमें। ठीक, अच्छा, इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ी सी ये हरी इलायची, तीन चार। अच्छा, ये आ गया है अपना सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा भी आ गया। सही है, अभी ऐसी छनमन छनमन होगा, छनमन छनमन छन। और इसमें घी भी डालेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर में, जब तक कि ये इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स ना हो जाए। मेरा कैमरा जो है ना बहुत करीब जा रहा है और मुझे दिख नहीं रहा, बता। अच्छा जी, अब हम क्या डालने वाले हैं इसमें, छनमन 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 अभी पके जा रही है, अभी ज़मीन पर कुछ भी नहीं लगाए इसके। और हम डालने वाले हैं नमक, नमक मीन्स सॉल्ट, ये आ गई सॉल्ट। सही है, हल्के हल्के हर जगह घुमाएंगे ताकि हर खाने का मज़ा दुबाला रहे और अच्छे से ये हो गया मिक्स। थोड़ा सा डाल दें क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत सारी डल गई हैं, तो नमक इसमें टमाटर पे भी हो जाए। अच्छा जनाब, तो ये तो डल गई हमारी सारी चीज़ें जो कि नॉर्मली सभी लोग डाल देते हैं। अब हम इसमें एक वेरी वेरी स्पेशल चीज़ डालेंगे हम, यहाँ का ये आलू बुखारा। सही है, ये आलू बुखारा मैंने इसलिए दिखा दिया आपको ताकि आपको पता हो कि मैंने डाला क्या है।
आलू बुखारा बहुत ही ज़बरदस्त है, ये मैंने 4 आलू बुखारे ये भी इसमें चले जाएंगे। और डिश बनेगी बिरयानी से या मसाले से भी ज़्यादा मज़ेदार। अभी हमने इसको बिल्कुल नहीं छूना है क्योंकि चिकन को ज़्यादा उलट पुलट करो ना तो क्या होता है कि उसका गोश्त जो है ना अजीब अजीब सा रहता है, कच्चा कच्चा। तो अभी हम इसको ऐसे ही पकने देंगे 5 मिनट, फिर उसके बाद इसमें चलाएंगे चमचा को लौट पलट कर। वाह वाह, हल्के हल्के हाथों से मिक्स मिक्स में एक हाथ से काम होता है, दोनों हाथ चाहिए। अच्छा, अब इसमें डालने लगे हम थोड़ी सी ये ऐसी मोटी मोटी अदरक, ये भी जाएगी इसके अंदर थोड़ी सी, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं। और ये डालूंगी मैं असली घी तकरीबन 3 टेबल स्पून, अच्छे भर के डालें ताकि अच्छी सी तरावट आए। घी जो होता है ना हमारे लिए बहुत अच्छा है बनिस्बत तेलों के। ये देखें कितना खूबसूरत आलू बुखारा लग रहा है, आलू बुखारा विद चिकन, वाह वाह। वैसे पहले ज़माने में गोश्त शहद और ये दिया जाता था, वाह 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 होते। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत के लिए बन रही है मुर्गी और ये वेरी वेरी स्पेशल है। और मैं जो हूँ अब इसको छुपा दूँगी थोड़े जब तक कि हमारी मुर्गी गल नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें टमाटर पड़ा है और टमाटर मुर्गी को गलने नहीं देता। अगर आप लोगों के यहाँ मुर्गी टूट जाती है तो एक टमाटर डाल दें, वो मुर्गी को टूटने नहीं देगा इंशाल्लाह। चलें फिर जब तक मैं इसे छुपा देती हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए, ठीक है। अभी पानी नहीं डाला, ये अपना पानी काफ़ी छोड़ा है इसने, ठीक है ना। और ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा डाल देंगे छीटा। अब हम डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह, ये आलू बुखारे वाली हमारी चिकन हो गई रेडी। देखिए माशाल्लाह कितना मज़े की लग रही है, भुनी भुनी। और आप खाएं, सेहतमंद बन जाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं एक नए टेस्ट के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और इसको कहते हैं हकीमी हांडी लेकिन है बहुत मज़े की। और अल्लाह पाक सबको दे, बहुत सा दे और खाने पीने को दे। अल्लाह हाफिज़। दोबर टेक, दोबर हराना, दुबी जेनिया।